बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का धमकी वाला वीडियो वायरल हो रहा है। शामली के कैराना सीट से विधायक है नाहिद हसन, चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी उम्मीदवार इकरा हसन के चुनाव प्रचार के दौरान ये धमकी उन्होंने दी, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। सबसे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, कान खोल के सुन लो, मेरे किसी कार्यकर्ता को परेशान मत कर लेना। ये हम मुनव्वर हसन की औलाद हैं और आपके बीच में यहाँ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कितने ही सालों से। अब आपके बीच में आपकी बच्ची, आपकी भांजी इकरा हसन यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो एक तरफ एसपी के विधायक धमकी पर उतारू हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि अगर किसी ने जनता को धमकाने की कोशिश की तो वो सबका हिसाब कर देंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़ने दो, उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि पूरे देश की एक आवाज है, पूरा देश एक ही स्वर में बोल रहा है।